का हमारे चैनल में स्वागत है और यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है और अगर आप आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे दोस्तों एक मैं बात कहना चाहूँगा कि मैं माफ़ी चाहूँगा पिछले चार दिनों से मैं जो लास्ट वीडियो पोस्ट किया था फोर डेज अगो तो अचानक एक बहुत अर्जेंट काम आ गया था और जिससे मुझे ऐसी लोकेशन पर जाना पड़ा जिसमें समय नहीं मिला प्लस नेटवर्क की भी इशू थी तो इस वजह से मैं रिव्यू नहीं दे पाया तो अब कंटिन्यू करते हैं थैंक यू मैं कुछ कॉमेंट्स भी लेना चाहूँगा सर फॉर अबाउट कैपलिन पॉइंट आई सी ऐसे फटाफट कर लेते हैं ज़रूर इनके बारे में भी एनालिसिस करूँगा थोड़ा समय दीजिए अभय साहब ज्योति प्रकाश प्रधान जी ने कहा आई मिस योर वीडियोस टिल डेट नो न्यू वीडियोस यस उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और थैंक यू ज्योति साहब फॉर वाचिंग एंड जुड़े रहिए मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ और रिव्यू देता रहूँगा uh, सर वेर नाउ नॉट अ सिंगल यस येस आफकोर्स थैंक यू थैंक यू दोस्त और सर इसमें से कि, किस में इन्वेस्ट करूँ धामपुर शुगर एक के माइल सॉफ्टवेयर जेके पेपर दोस्त इसमें से मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं और ज़रूर आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं अदरवाइज़ मैं फिर से इन पर रिव्यू दूंगा क्वार्टर क्यू फोर के रिजल्ट भी आ चुके हैं तो जल्दी अभी फ़िलहाल आजकल जो मार्केट की स्थिति है ऐसे में कुछ भी खरीदना या बेचना निर्णायक स्थिति नहीं होगी थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो पेशेंस बनाए रखिए एटलीस्ट इलेक्शन का जो रिजल्ट ट्वेंटी को है अनाउंसमेंट उसके जो इसके बीच तीन दिन हैं जो एग्ज़िट पोल के नतीजे हैं वो आने शुरू हो जाएंगे जब 19 तारीख को जो लास्ट चरण का चुनाव है उसके बाद क्या स्थिति बनती है आई थिंक उन्नीस को ही है तो उन्नीस से तेईस के बीच में जो भी या बीस से तेईस के बीच में जो भी एक उतार चढ़ाव और तेईस को रज, आ, क्या गवर्नमेंट स्टेबल गवर्नमेंट मिलते है या फिर ये आ, एक दूसरे जो भी नई गवर्नमेंट फॉर्म हो तो बने रहिए उस समय तक के लिए आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की मत सोचिए अभी फ़िलहाल मैं तो यही सलाह दूंगा कि कैश अगर आप अपने पास रखते हैं तो आप राजा आदमी हैं थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए और रिलायंस एफ्रा होल्ड और सेल्फ दोस्त पर भी मैं जल्दी रिव्यू दूंगा ऐसे मैं नहीं कह सकता बिना देखे डेटा और सर धामपुर मिल्स में इन्वेस्ट करो हाँ ये तो खैर रिपीट है आई वॉज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टाइम थैंक यू अरे थैंक यू आपको भी अक्षय जी एंड ठीक है तो फिर मैं आगे बढ़ते हैं थैंक्स यू दोस्तों आप लोगों ने लगातार कमेंट दिए हैं वीडियोस देख देख के साउथ इंडियन बैंक के बारे में इन्वेस्ट या नहीं वीडियो बनाइए ठीक है दोस्त जतिन आपका मैं ले लेता हूं साउथ इंडियन बैंक आज आ, आज हम रिव्यू करते हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में चलिए साउथ इंडियन बैंक जैसे कि सभी बैंकें हैं नैशनलाइज बैंक है और ये उन्नीस से काम कर रही है आज़ादी से पहले ये बैंक हो चुकी थी और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है 2018 में 40 पैसे का दिया था इन्होंने और साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रो एक्टिव बैंक इन इंडिया विद टैक्स विद्स टीम ऑफ एट द कोर ऑफ द द सर्विसेज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड सर्विस होल बैंकिंग से जो इनकी आय है टॉप सेगमेंट से फोर्टी की है और तो रिटेल बैंकिंग से थर्टी थ्री तीन दोनों में ये डिफरेंस जानना जरूरी है कि जो कार्पोरेट होता है और रिटेल्स होते हैं तो रिटेल्स थोड़ा यहाँ पे देखिए कम है और कॉरपोरेट ज़्यादा है तो और ट्रेजरी जो एफ वगैरह होती हैं उनसे नाइनटीन पॉइंट के इनको आए हैं तो होता क्या है कि देखिए जो जिनका ज़्यादा रेट जैसे एच बैंक हो गए और भी टॉप के कई बैंक्स हो गए उन उनका रिटेल बैंकिंग ज़्यादा होता है है ना जो तो इस वजह से जो छोटे कस्टमर्स होते हैं खुदरा कस्टमर्स होते हैं उनमें एनपीए बढ़ने के चांसेस कम होते हैं लेकिन कॉर्पोरेट में क्या होती है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन दिया गया तो कभी कभी दिवालिया हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाती बड़ा मुश्किल होता है पैसा निकालना है ना तो अपनी इंडस्ट्री में देखिए सेवेंथ नंबर पे है और स्मॉल कैप की कंपनी दो करोड़ की तो इनके क्यू के रिजल्ट भी आ चुके हैं क्वालिटी एवरेज क्वालिटी कंपनी है और वैल्यूएशन अभी फेयर नॉट फेयर ओनली है वेरी अट्रैक्टिव पे मतलब अठारह के नीचे अगर देखा जाए तो इसको आप वेरी अट्रैक्टिव पे है तो ऑब्वियसली इसका जो प्राइस है मैं आपको बता देता हूँ और पी हाँ ये देखिए साउथ इंडियन बैंक आज इसमें चालीस पैसे गिरावट है तेरह रुपये पचास पैसे ट्रेड कर रहा है बीएससी पे पंद्रह मई दो हज़ार उन्नीस को करीब ढाई बजने वाले हैं दो बज के ततीस मिनट और जो इसने हाई बनाया था सत्ताईस रुपये का और लो था इसका एक साल का बारह रुपये पैंतालीस पैसे जो कि लो के आसपास ही है तेरह पैंतालीस पर ट्रेड कर रहा है तो साल के लो के आसपास है यस मार्केट कैप हम देख ही चुके हैं और इंडस्ट्री पी है थर्टी थ्री की और पी है इसकी नाइन पॉइंट एट फाइव की ई है पैसे के प्राइस 0.47 की फेस वैल्यू की रिटर्न दी है, है तो जबकि पांच सालों में चार सालों में तीन सालों में दो सालों में एक सालों में, तो में सिर्फ थ्री मंथस में फोर पॉइंट टू परसेंट की रिटर्न यहाँ पे साइड दिख रहे हैं इसमें लाल पे निशान है तो मैं बताऊंगा नहीं लगातार आपके पैसे जो है डूबे ही हैं जिसने लगाया है एनी वेज लेकिन उसका दूसरा रूप हम दूसरा पक्ष भी अभी देख लेते हैं फाइनेंशियल पे आते हैं देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं दिसंबर 18 से मार्च 19 के क्वार्टर टू तो यहाँ तो पे इंटरेस्ट अर्निंग जो सत्रह सौ पैंतीस करोड़ की थी वो मार्च 19 में हो गई सत्रह सौ नब्बे करोड़ की जो कि 3.21 परसेंट की अपसाइड है वहीं पे इनका जो है एनपीए में यहाँ पे 0.9 परसेंट कम हुआ है ये अच्छी चीज़ है लेकिन ग्रॉस एनपीए में 0.04 परसेंट की बढ़ोतरी भी है लेकिन नेट प्रॉफिट में यहाँ पे अगेन यहाँ पे लॉस है इनको जहाँ दिसंब, दिसंबर क्वार्टर दिसंबर अठारह में इनको 83 की करोड़ आय थी वही मार्च उन्नीस में हो गई 70 करोड़ की जो कि 15 करीब 16 परसेंट के आसपास के डाउन है और यहीं पे हम एनुअल भी देख लेते हैं तो एनुअल में क्या होगा कि देखिए इंटरेस्ट अर्निंग में तो यहाँ पे 11 परसेंट की अपसाइड है लेकिन वहीं पे इनका एनपीए में भी माइनस जीरो परसेंट की बढ़ोतरी है और 1.33 पॉइंट परसेंट की ग्रॉस एनपीए में भी इंक्रीज है और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे लॉस है करीब 26 परसेंट के आसपास इनको ईयर ऑन ईयर लॉस है मार्च अठारह टू मार्च उन्नीस में फ्रॉम मार्च अठारह टू मार्च उन्नीस और शेयर होल्डिंग पोर्टल में हम चलते हैं तो यहाँ पर प्रमोटर्स के पास जीरो है कुछ भी नहीं है तो गिरवी रखने का कोई प्रश्न नहीं उठता और हाँ लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे उन्नीस स्कीम्स ने पैसा लगा रखे हैं एट पॉइंट एट नाइन परसेंट की और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे देखिए नाइन्टी है और ट्वेंटी के ज़बरदस्त भर रखा है इन लोगों ने पुण। हाइस्ट पब्लिक शेयर होल्डर हैं यूसुफ अली मुसलम बीटिल कादिर इनकी जो करीब पाँच परसेंट के आसपास होल्डिंग है और इंडिविजुअल्स जो इन्वेस्टर्स हैं हम आप जैसे खुदरा ग्राहक फोर्टी फाइव पॉइंट फोर सिक्स परसेंट के आसपास हैं जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में आते हैं और ये म्यूचुअल फंड्स की स्कीम ने बढ़ाई है अपनी होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनियाँ भी हैं ठीक है अब जो मैं कहना चाह रहा था कि दोस्तों इसमें क्या होता है कि वो लोग ज़्यादातर ट्रेड कर रहे हैं इन्वेस्ट तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है जिनको लगता है कि भैया अब ये एक साल के लो पे आ चुका है अब जैसे जिस प्रकार से ये क्यों गिरावट है इसमें एक तो गिरावट पिछले एक डेढ़ हफ़्ते से लगातार तो सेंसेक्स पूरा निफ्टी में भयानक गिरावट आई है आज थोड़ा सा हरे के निशान पर दिख रहा है और लगातार गिरावट और रिजल्ट्स भी इसके क्वार्टर फोर के अच्छे नहीं हैं इस वजह से और भी गिरावट आ गई है तो इस भाव पे ट्रेड कर रहा है जो कि अपने साल के लो पे पहुंचने वाला है तो होता क्या है कि जो इसमें शॉर्ट टर्म के निवेशक होते हैं वो घुस जाते हैं और जब उनको दो चार रुपये आप साइड का मिल जाता है तो फिर निकल जाते हैं तो जो शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं वो चाहे तो इसमें बाइंग कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है अगर आपको बारह रुपये के आसपास या बारह साढ़े बारह के आसपास का मिलता है और दो चार हज़ार मतलब डिपेंड है कि आपका कितना बजट है अगर आपका पूरा मतलब आपके पास टोटल दो लाख रुपये हैं तो इसमें सिर्फ पच्चीस हज़ार डालिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा बाकी पैसा हमेशा बचा के रखिए कभी पूरा मत लगाइए मैं तो फिर से रिपीट करता हूँ मैं पिछले शुरू से जब से वीडियो बना रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि मार्केट बहुत वोलाटाइल है जब से इलेक्शन के वजह से अभी मैं कभी नहीं रिकमेंडेशन करता कि भाई अभी बाइंग कीजिए अभी थोड़ा सा और रुकिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी और भी मिल सकती है क्योंकि आप भी देख रहे हैं मार्केट किस तरफ जा रहा है और अचानक ही गिर जाता भयानक तरीके से जो गिरावट हुई है सारे फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बेच रहे हैं और सारे लोग माल बेच रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए स्टेबल गवर्नमेंट आने दीजिए एक बार गवर्नमेंट फॉर्म होने दीजिए हो सकता है कि मार्केट में रैली आए तो सारे स्टॉक्स भागेंगे आपको मुनाफा होगा तो लेकिन खरीदारी का समय वही निर्णायक होगा आसपास जब रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो फ्रेंड्स मैंने बता दिया साउथ इंडियन के बैंक के बारे में और आप देख रहिए हमारा वीडियो लेकिन एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगी कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र जरूर मशूरा कर लें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो